वो गबरूस, हमारी मेजोरिटी ऑडियंस जो है वो मॉडल बनना चाहती है, लेकिन मॉडलिंग में आपको जाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती है। सबसे पहली चीज होती है पोस्चर, दूसरी चीज होती है बॉडी लैंग्वेज, एंड तीसरी चीज होती है पर्सनैलिटी। हेल विद इट, अगर नॉर्मल लाइफ में भी हो, आपको ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली चाहिए होंगी। गबरूस, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे हम रेगुलरली कंटेंट नहीं बनाते हैं, फ्रीक्वेंटली कंटेंट नहीं बनाते हैं, लेकिन वो लाइफस्टाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलोगे या फिर इस तरीके से बात करोगे तो फिर बात नहीं बनने वाली बॉस। आपको कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए। आज की वीडियो देखो, कुछ चीजें सीखो जो हमने ओवरऑल अपनी लाइफ में सीखी हैं एंड आपके सामने आज शेयर करने वाले। एक मेंस लाइफस्टाइल व्लॉगर होने के नाते हमारा काम है आपको बताना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफस्टाइल में। सो हेलो गाइस, दिस इज अक्षय वंस अगेन। सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आई एम अ पास्टर मैन, वी बोथ आर बैक विद अ न्यू वीडियो, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक होती है आई कांटेक्ट ना मेंटेन करना। देखो गबरूस, मैं आपको एक अपना फंडामेंटल और बेसिक नुस्खा बताता हूं कि जब भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता था ना, पहले बहुत पहले की बातें हैं, जब भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता था मैं बहुत ज्यादा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता था। इससे क्या होता था, मैं आई कॉन्टैक्ट को फेक करता था और धीरे 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 करके मुझे इसको आदत पड़ गई। अब कोई भी बंदा होगा ना, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के अच्छे से देख सकता हूं और पूरी की पूरी बात बोल सकता हूं। मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगता कि मैं लो कॉन्फिडेंस में फील कर रहा हूं या फिर मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तरीके से उससे मतलब थोड़ा नीचे हूं या कुछ भी ऐसा लगता है, तो वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करोगे आपको अपने आप अपने कॉन्फिडेंस में बूस्ट दिखेगा, एंड ये सबसे पहला बेसिक और फंडामेंटल स्टेप है बॉडी लैंग्वेज का जो आपको इंप्रूव करना है। आई कॉन्टैक्ट साइकोलॉजिकली सामने वाले बंदे को ऐसा दिखाता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप बात करने में थोड़ा एक्टिव हो एंड आप बिल्कुल एकदम भोंदू से बंदे नहीं हो। दूसरी बात यह कि लड़कियां इस पर बहुत ज्यादा मरती हैं। अगर आप प्रो हो चुके हो मेरी तरह तो भैया आई कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी फॉर यू गाइज। लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप गलत हो तब भी आप आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल ऐसे मेंटेन करके रखो, वो भी बिल्कुल अपने आप को सही साबित करते हुए। यहां पर आपको एक चीज करनी है कि अगर आपकी कहीं भी गलती है या कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार इस टाइम में सही नहीं हो, तब भी आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, लेकिन उस टाइम अपनी गलती मानो और एक स्माइल के साथ उसको पास ऑन होने दो। सो आप ये मेंटेन करके देखो एंड कमेंट करो अपने चेंजेस जो आपने देखे अपनी लाइफ में आगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी गबरू अंडर कॉन्फिडेंट रहे। नेक्स्ट चीज जो कि एक और बहुत गंदी बॉडी लैंग्वेज है वो है इस तरीके से झुक कर चलना। देखो ये आपको अंडर कॉन्फिडेंट तो बनाता है, साथ ही साथ जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी है ना उसकी धज्जियां उड़ा देता है। क्योंकि देखो एक चीज इसकी वजह से बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएटली मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक नहीं है उस वजह से भी ये चीज आ सकती है, दिक्कत आपकी रियल लाइफ में भी आ सकती है। आप जेंटलमैन हो, आप सबको बिल्कुल एकदम दाड़ के चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे भेड़ बकरी की तरह चल रहे हो, आप सब शेर हो, शेर की तरह चलो। अब अगर आपके स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक नहीं है तो यहां पर आती है एक न्यू इनोवेशन, प्रेजेंटिंग द फ्लो मैट्रेस। सो फ्लो मैट्रेस ने भिजवाई है हमें ये वाली मैट्रेस एंड हेल्प करा है इस वीडियो में आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को सुधारने का। तो चलो देखते हैं कि स्लीपिंग पैटर्न्स कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, किस तरीके के आपको करने हैं और किस तरीके से आपको सोना है। सो आपको एक बात बता दूं छोटी सी कि ये जो फ्लो मैट्रेस का डब्बा है ये डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आता है, बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं है, तो कम से कम आपकी 50% की सेविंग होती है। 50% से मेरा मतलब है कि अगर आपको ये 25,000 या 50,000 का गद्दा पड़ता है, आपको ये वाली जो मैट्रेस है सिर्फ और सिर्फ पड़ती है 10,000 रुपये से स्टार्टिंग। कैन यू इमेजिन दैट। और इसमें मेमोरी फोम है जो कि वर्ल्ड क्लास मेमोरी फोम है, एंड देखते हैं कि अंदर क्या है, अनबॉक्स करके। एक अच्छी बात मुझे इस मैट्रेस के और इस ब्रांड के बारे में ये लगी, ये आपको 100-day ट्रायल देता है। तो अगर 100 दिन तक आपको क्वालिटी नींद नहीं आती, क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती है और आपको कोई भी कंप्लेंट है इस मैट्रेस से, तो आप इसको वापस से रिटर्न कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको वारंटी भी मिलती है 10 सालों की, जो इनके वारंटी केयर कार्ड में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, और 10 साल की वारंटी आई डोंट थिंक किसी और मैट्रेस के साथ आपको मिलती है। और एक अच्छी बात और ये भी है कि अगर आपको जरा सा इतना सा भी बजट इशू है ना, तो आप EMI अवेल कर सकते हो, और लोएस्ट 1,000 रुपीज पर मंथ के EMI के हिसाब से आप इस मैट्रेस को परचेज कर सकते हो। We both live life at full speed, easy, when we collide.
स्लीपिंग पैटर्न की बात करते हैं एंड ज्यादातर गबरूज और ज्यादातर पूरी दुनिया में लोग इस तरीके से सोते हैं बस एक तकिया लगा के, एंड ये आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए और आपके ओवरऑल पोस्चर के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग इस तरीके से भी सोते हैं जिसकी वजह से स्पाइन में फिर से इफेक्ट पड़ता है एंड आपका पोस्चर ऐसे टेढ़ा हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा और सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिस तरीके से आपको रोज सोना है। ये तकिए को लेकर हमेशा आपने घुटनों के नीचे इस तरफ रख के आपकी स्पाइन को अच्छा सपोर्ट मिलेगा एंड आपका जो पोस्चर थोड़ा सा लीन हो रहा है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। एंड फोटोग्राफी में भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि हमेशा लीन होकर फोटोज खिंचवाते हैं, आपको बिल्कुल मस्त एकदम चेहरे पे स्माइल लेके चिन अप करके फोटोज खिंचवानी चाहिए जो बेस्ट रिजल्ट्स देती है। और इसमें एक अच्छी बात और है कि इसमें है जीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस, जिसका मतलब है कि अगर कोई साइड में आता है तो किसी को पता नहीं चलता। तेरे को पता चला? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ग्रीट करने के बारे में कि हम किसी को कैसे ग्रीट कर रहे हैं, किसी से कैसे मिल रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही कम नोटिसेबल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी को कैसे ग्रीट कर रहे हैं। और यहाँ मेनली मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, किसी से पहली बार मिल रहे हैं या किसी नई जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है और वो अच्छा ही क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे बात करते हैं कि आप पहली बार किसी लड़की से मिल रहे हो तो ऑब्वियसली आप उससे बिल्कुल चौड़ में नहीं मिलोगे और वही क्या हाल है, अब उससे प्यार से तरीके से जेंटली मिलोगे, उसको एक सॉफ्ट हेलो बोलोगे कि उसको भी लगे कि हाँ ये बंदा मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है और बिल्कुल ऐप तरीके से मिल रहा है। आप अगर अपने दोस्त से मिल रहे हो, किसी बहुत खास दोस्त से मिल रहे हो तो अलग बात है, फिर तो ऑब्वियसली वो आपको जज नहीं करेगी, आप उसको किसी भी तरीके से मिलो आपका राइट बनता है। सिमिलरली अगर बात करो लड़कों की तो लड़कों के साथ बहुत जरूरी होता है एक प्रॉपर हैंडशेक होना, ना आपको बहुत ही ढीला हैंडशेक करना है लूज के उसको लगे इसने तो हाथ मिलाया नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट करना है कि उसको लगे भाई ये तो बॉडी बिल्डर है। एक प्रॉपर हैंडशेक होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई ये बंदा मुझसे मिल के गया एक्चुअली में। तो ये छोटी सी चीज़ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है, खासकर तब जब आप नए लोगों से मिल रहे हो और तब जब बहुत सारे लोगों की गेट टुगेदर हो रखी है और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं ये छोटी सी बुरी बॉडी लैंग्वेज वाली हरकत करते हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ब्लॉकिंग का। हमारे कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता लेकिन हम कर जाते हैं और वो एक्शन हमारी बॉडी को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं। अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं या किसी से बात कह रहे हैं तो ना तो हम ठीक से सुन पाएंगे उसकी वजह से, ना ही बात अपनी ठीक से कह पाएंगे। और यही चीज़ हमें अंडर कॉन्फिडेंट तो बनाती ही है, साथ ही साथ सामने वाले को ये लगता है कि हम उसकी बात सुनने में अनइंटरेस्टेड हैं या उससे बात करने में भी अनइंटरेस्टेड है। जैसे कि हम लोगों की आदत होती है छोटी सी कि हम लोग हैंड्स फोल्ड करके किसी से बात करते हैं या उसके बात सुनते हैं, और अगर वो हमको एड्रेस कर रहा है तो हम किसी और तरफ अपनी बॉडी को पॉइंट आउट करते हैं और उसकी तरफ नहीं करते। सेकेंडली हम लोग अपनी पॉकेट्स में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं और हमारी बॉडी इधर उधर झूलती रहती है। थर्ड, हम अगर टेबल पे बैठ के बात करें तो हमारी बॉडी एकदम स्लाउच हो रखी होती है टेबल के ऊपर। और सबसे जो कॉमन है कि हम लोग लेग्स फोल्ड करके बैठते हैं, जब वहाँ पे भी ब्लॉकिंग होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कम्युनिकेशन को भी और अपनी बॉडी को फ्री रखो और कम्युनिकेशन एक फ्लो में चलने दो, ब्लॉकिंग या रिस्ट्रिक्शन मत आने दो, वरना आपका कम्युनिकेशन भी खराब होगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लगेगी। तीसरे पॉइंट को मैंने नाम दिया है ओवरडूइंग अकड़। अब ओवरडूइंग अकड़ से मेरा ये मतलब है कि अगर आप नॉर्मल बंदे हो, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, नॉर्मल चीज़ें कर रहे हो और फिर आप चल रहे हो इस तरीके से, तो वो भी एक गलत इंप्रेशन छोड़ता है आपके लिए। आप कोई बाउंसर नहीं हो, किसी क्लब के ऐसे नहीं हो मेंबर हो जहां पर आपको लोगों को सिक्योरिटी देनी है, तो आपको नॉर्मली चलना है, स्ट्रेट हेड करके, चिन अप, एंड नॉर्मली अगर आप वॉक करते हो तो वो भी आपके स्टाइल को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देता है। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी को दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा बैड बॉय हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है, ना कि कोई पॉजिटिव इंप्रेशन। आपका चलना, आपका दिखना, ये बहुत मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी पूरी पर्सनैलिटी के, एंड यहीं पर आपने अगर छोटी सी भी मिस्टेक कर दी ना तो वो फर्स्ट इंप्रेशन जो आप छोड़ने वाले हो किसी भी लड़के पे, किसी भी लड़की पे, किसी भी ग्रुप ऑफ ऑडियंस पे, तो वो गलत हो जाएगा। एंड मैं ये नहीं चाहता, आपको नॉर्मली चलना है, हेड स्ट्रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया नॉर्मल वॉक करोगे, एंड आपसे ज्यादा स्टाइलिश कोई नहीं होगा, सबका मर्डर होने वाला जितने आपके सामने बैठेंगे फिर। सो गाइस, ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी थे। अगर ये आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब तक जाने चाहिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो हाँ, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम लोग आपको बताना चाहते थे, एंड अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करो इनको और फिर से कमेंट करके बताना, क्योंकि कमेंट इंपॉर्टेंट है एंगेजमेंट के लिए, उससे ज्यादा व्यूज आते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गबरू, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, बी अ गबरू। शर्वन गबरू आउट। कर स्टाइल की फिक्र तू, आया अरबन गबरू।
समझ आ गया।